किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत है भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 6वीं कड़ी। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और क्रांति। प्रश्न, कम्युनिस्ट पूंजीवादी समाज को समाप्त करना चाहते हैं, तो फिर पूंजीवाद के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के क्या मायने हैं? उत्तर, पहली बात तो ये कि कम्युनिस्ट पूंजीवाद के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कभी नहीं करते। वे पूंजीवादी राज्यों और समाजवादी राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहते हैं, और कम्युनिस्टों का ये नारा आज कोई नया नारा भी नहीं है। वे तो इसे उसी दिन से दोहराते आ रहे हैं जिस दिन 1917 में सोवियत रूस में मजदूरों किसानों की पहली हुकूमत की बुनियाद पड़ी थी। कम्युनिस्ट एक देश या एक राष्ट्र द्वारा दूसरे देश या राष्ट्र के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का हमेशा से विरोध करते आए हैं। उनका कहना है कि किसी देश की जनता अपने यहाँ किस प्रकार की समाज व्यवस्था और किस प्रकार की सरकार चाहती है, इसका फैसला वो स्वयं कर देगी। आखिर क्रांति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बाजार में बिकने वाले माल की तरह जहाज में भरकर एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सके, और फिर अगर किसी देश की जनता उसे खरीदने या अपनाने से इनकार करे तो संगीन की नोक के सहारे जबरदस्ती उस पर लाद दी जाए। अगर किसी देश में क्रांति की परिस्थितियां पककर तैयार नहीं है, या वहां की जनता अपने अनुभव से इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है कि मौजूदा समाज व्यवस्था और उसे बचाकर रखने वाली सरकार को हटाकर दूसरी समाज व्यवस्था और दूसरी सरकार कायम किए बगैर उसकी परेशानियां हल नहीं हो सकेंगी, दूसरे शब्दों में अगर जनता क्रांति के लिए तैयार ना हो तो वहां बाहर से आकर क्रांति नहीं कराई जा सकती। कम्युनिस्ट क्रांति के निर्यात में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें हर देश की जनता पर उसकी क्रांतिकारी सूझबूझ और जुझारूपन पर अडिग विश्वास है। वे जानते हैं कि अगर लड़ाई किसी देश की जनता और वहां के शोषक वर्ग तक ही सीमित रहे और बाहर से कोई हस्तक्षेप ना हो तो वहां पर निश्चित रूप से जीत जनता की ही होगी। इतिहास में जब भी किसी देश की जनता ने सामाजिक क्रांति द्वारा शोषण का जुआ उतार फेंकने की कोशिश की है तो उस देश के शोषक वर्ग ने बाहर की सहायता लेकर ही देशवासियों की लाशों के ढेर लगा दिए हैं। सन 1871 में जब फ्रांस के मजदूरों ने पहली मजदूर सरकार के रूप में पेरिस कम्यून की स्थापना की तो फ्रांस के शोषक वर्ग ने जर्मन सेनाओं की सहायता से उसे खून में डुबो दिया था। फिर 1917 में अक्टूबर क्रांति को प्रतिक्रियावादी क्रांति में बदलने के ख्याल से 14 पूंजीवादी राष्ट्रों ने मिलकर रूस पर हमला किया था। वे अपने इरादों में सफल नहीं हो सके, ये दूसरी बात है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस आदि देशों का अनुभव भी यही बतलाता है कि अगर वहां की प्रतिक्रियावादी ताकतों को साम्राज्यवादियों ने बाहर से सहायता न भेजी होती तो वहां का नक्शा आज दूसरा ही होता। कोरिया का बंटवारा और कोरिया के एक भाग पर साम्राज्यवादी पिट्ठुओं की हुकूमत बाहरी सहायता के बल पर ही कायम है। क्यूबा की जनवादी सरकार को उलटने की कोशिश आज भी लगातार जारी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी देश की क्रांतिकारी जनता और क्रांति आंदोलन को दबाने के लिए अगर साम्राज्यवादी बाहर से आकर उस देश पर प्रतिक्रांति लादने की कोशिश करेंगे और वहां की प्रतिक्रियावादी ताकतों की सहायता के लिए सेना और हथियार भेजेंगे तो भी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के नाम पर कम्युनिस्ट दूर खड़े तमाशा देखते रहेंगे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ये समझ संशोधनवादी समझ है। कम्युनिस्ट बाहर से जाकर हथियारों के सहारे किसी देश पर क्रांति लादने नहीं जाएंगे, न ही वे ये भी गंवारा करेंगे कि क्रांति को दबाने के लिए कोई बाहरी ताकत किसी देश पर प्रतिक्रांति ला दे। कहने का मतलब ये है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात एक क्रांतिकारी या क्रांति में विश्वास रखने वाला ही कर सकता है,
क्योंकि वो जानता है कि अंत में ये मार्ग जनता की विजय का मार्ग है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का ये मतलब निकालना भी गलत होगा कि कम्युनिस्ट वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को छोड़कर विरोधी वर्गों के बीच सह अस्तित्व की बात करने लगे हैं। ये समझ भी सुधारवादियों और संशोधनवादियों की है। हम कम्युनिस्ट जानते हैं कि जहां विरोधी वर्ग हैं, वहां उन वर्गों के बीच संघर्ष भी होगा। हम ये भी जानते हैं कि दो विरोधी वर्गों में इस संघर्ष का अंत अनिवार्यतः शोषक वर्ग की समाप्ति में होगा और यही हमारी भाषा में क्रांति है। क्रांति परिवर्तन का मूल मंत्र है। पूंजीवाद से समाजवाद की ओर जाने का एकमात्र रास्ता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के नाम पर इस रास्ते को छोड़ देने की मांग वे ही लोग उठाते हैं जो पूंजीवाद को एक निरंतर व्यवस्था के रूप में हमेशा हरा भरा देखना चाहते हैं। लेकिन इतिहास की गति तो किसी के रोके नहीं रुकती है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आज के युग में वर्ग संघर्ष का एक विशेष रूप है। सुधारवादी संशोधनवादी लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की आड़ में वर्गों के विरोधाभास पर पर्दा डालना चाहते हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बाद वर्ग संघर्ष की बात का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और इस प्रकार दुनिया में एक सामाजिक शांति स्थापित हो जाएगी। ये लोग शांति स्थापित करने के नाम पर मजदूर वर्ग से उसका एकमात्र हथियार यानी वर्ग संघर्ष छीन कर उसे अपंग बना देना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वर्ग संघर्ष और शांति का जन्म पूंजीवाद के अपने विरोधाभासों के बीच से होता है। और कल अगर सोवियत रूस और अमेरिका के बीच कोई निःशस्त्रीकरण समझौता हो जाए तो उससे अमेरिका में वर्गों का अंत थोड़े ही हो जाएगा। अमेरिकी शोषकों के खिलाफ वहां की जनता का वर्ग संघर्ष तो चलता ही रहेगा। इस संघर्ष का अंत तो वहां पर पूंजीवाद को दफनाकर ही किया जा सकेगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के नाम पर हमारे सुधारवादी दोस्त जब हम कम्युनिस्टों से वर्ग संघर्ष और क्रांति को छोड़ने की बात करते हैं तो वे छिपे तौर पर अपने मालिकों यानी साम्राज्यवादियों के लिए जिंदगी के 4 दिन और मांगते हैं और ठीक यही खैरात हम उन्हें नहीं दे सकते। तो आज के युग में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वर्ग संघर्ष की ही एक शक्ल है, लेकिन एकमात्र और सर्वोच्च शक्ल नहीं। वो वर्ग संघर्ष को समाप्त नहीं बल्कि और तेज करना है और इस नाते शांति एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की लड़ाई को कामयाब बनाने के लिए हमें पूंजीवाद के खिलाफ राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक तीनों ही क्षेत्रों में मजबूत मुहिम चलानी पड़ेगी। वर्ग संघर्ष पर आधारित क्रांतिकारी आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 6वीं कड़ी। हमारे साथ जुड़ने या हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।